चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल माय पैशन टीचिंग। सो कल हमने चैप्टर नंबर 12 कैन बी शेयर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स किए थे। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी और आपको वो पसंद आई होगी। सो आज हम जो है वो उस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आगे के कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो लेट गेट स्टार्टेड। सो क्वेश्चन इज हाउ मेनी सेल्स, कि यहाँ पे आपको जो है अपनी अपनी बुक के ऊपर यहाँ पे कुछ ड्रॉअर दिख रहे होंगे जहां पे आपको ये बता आपसे ये पूछा गया कि कितनी सेल्स हैं, ठीक है, कितनी सेल्फ हैं उसके अंदर। तो यहाँ पे बोला है आई हैव अ 20 बुक्स, कि मेरे पास जो है वो 20 किताबें हैं। आई कैन कीप 5 बुक इन 1 सेल्फ, कि मैं जो हूँ वो एक सेल्फ के अंदर 5 किताबें रख सकता हूँ। सो हाउ मेनी सेल्फ्स डू आई नीड इन माई अलमीरा, तो मुझे अपनी अलमारी में कितनी सेल्फ की जरूरत है, ठीक है। तो मान लो ऐसे कि आपके पास जो है वो एक अलमीरा है, ठीक है, आप जो है वो एक बॉक्स के अंदर एक सेल्फ के अंदर जो 5 किताबें रख सकते हो और आपके पास टोटल जो है वो 20 किताबें हैं, तो आपको और कितने सेल्फ की जरूरत पड़ेगी, कितनी सेल्फ की जरूरत पड़ेगी आपको उन सारी की सारी किताबों को अरेंज करके रखने के लिए। तो सिंपल वे में अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, मान लीजिए कि अभी मैंने आपको जो है वो बुक से क्वेश्चन पढ़ाया कि एक आदमी है उसके पास जो है वो टोटल कितनी बुक्स हैं, 20 कितनी बुक है उसके पास, 20 बुक्स हैं टोटल, ठीक है, और उसके पास क्या है एक अलमीरा है, कितनी अलमीरा है, सिर्फ एक अलमीरा है। और वहां पे क्या बोला गया, एक अलमीरा, ये मैंने आपके लिए यहाँ पे अलमीरा ड्रॉ की हुई है, ये उसके पास एक अलमीरा है और उसके पास 20 किताबें, ठीक है। वो बोल रहा है कि इस अलमीरा की एक सेल्फ के अंदर, ठीक है, एक सेल्फ के अंदर कितनी 5 किताबें आ रही है उसकी, ठीक है, ये मैंने आपको दिखाया 1 2 3 4 5 किताबें जो है उसकी वो एक सेल्फ के अंदर आ रही है, एक अलमीरा है उसके अंदर, ठीक है, और 20 जो उसमें टोटल किताबें। तो यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ, कल या पिछली वीडियोज में, पिछले चैप्टर में मैंने आपको जो था वो मल्टीप्लाई करना सिखाया था, ठीक है। मल्टीप्लाई में मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब हमें किसी एक चीज की कीमत पता होती है, ठीक है, मान लो कि आपके पास जो है एक पेन है जिसकी कीमत है 5 रुपए, ठीक है, 5 रुपए का आपके पास जो है वो एक पेन है। आपसे पूछा गया है कि आपको 10 पेन खरीदने हैं तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, एक पेन की कॉस्ट आपको पता है कि वो 5 रुपए का है, आपको 10 पेन लेने तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो हम क्या करते थे 5 × 10 आगे 50 आंसर, मतलब कि हमें 50 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। अब डिवाइड के केस में क्या होता है कि यहाँ पे उल्टा होता है कि आपको जो है वो 10 पेन की कीमत दी होगी, ठीक है, आपके पास 10 पेन है वो आपको मिले 50 रुपए में, ठीक है, कि आपने एक ही बारी में जो है वो 10 पेन खरीद लिए और आपने 50 रुपए दे दिए। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपको फिर एक पेन कितने रुपए का पड़ा, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा चीजें जो वो एक ही बारी में खरीद देते, जैसे यहाँ पे है हमारे पास कि हमने 10 पेन जो है वो एक साथ खरीद लिए 50 रुपए के। अब आपसे कोई पूछेगा कि मान लो कि आपने एक पेन जो है वो अपने दोस्त को देना है, ठीक है, तो आप उसको कितने रुपए में दोगे वो पेन, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एक पेन कितने रुपए का है। अब एक पेन की अगर हमें कीमत निकालनी होती है तो हम करते हैं डिवाइड, ठीक है, जब हमें बहुत सारी चीजों की कीमत दी होती है तो हम अगर एक की निकालनी होती है तो हम करते हैं डिवाइड, और जब हमें एक चीज की कीमत दी हो और हमें बहुत सारी चीजों की कीमत निकालनी तो हम करते हैं मल्टीप्लाई। जैसे मान लो कि आपके पास एक रोटी का टुकड़ा है, ठीक है, आपकी ये चपाती है, मान लो, है ना, अब आपको बोला गया है कि इसके आपको जो है वो एक चपाती दी हुई है, ठीक है, अब आपको बोला गया है कि जब आप इसके छोटे छोटे से टुकड़े कर दोगे, मतलब कि छोटे छोटे से टुकड़े कर दिए आपने, तो क्या किया आपने, ये छोटे छोटे से टुकड़े कर दिए, मतलब आपने इनको डिवाइड कर दिया, मतलब एक बड़ी सी चीज को आपने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। उसी तरह से आपको 50 रुपए बड़ी सी कीमत थी जिसको आपने छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, तो हमारा यहाँ पे आंसर आ गया 5। डिवाइड करना मैंने आपको सिखाया है, खैर एग्जाम्पल की बता रही हूँ, आगे मैं आपको बताऊंगी अच्छे से। तो ये हमारे पास आ गया 5, मतलब एक जो पेन है वो 5 रुपए का मिला आपको, ठीक है, कि ये जो रोटी थी वो 50 रुपए की थी, अगर इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दें, मतलब ऐसे आप मान लो 10 टुकड़े जो हैं आपके पास दिए हुए हैं, 10 टुकड़ों की कीमत आपको बताइए 50 रुपए। अब जो है, चलो इस कॉन्सेप्ट को तो फिर भी रहने दो,
यहाँ पे जो मैंने आपको समझाया वो इतना जानना काफी आपके लिए कि अगर आपको 10 पेन की कीमत दी हुई है और एक पेन की निकाल तो आप डिवाइड करोगे, और अगर एक पेन की कीमत दी हुआ और 10 पेन की कीमत निकाल तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यही चीज जो है वो यहाँ पे आएगी। ठीक है कि इसके पास 20 किताबें हैं, एक अलमीरा है और एक अलमीरा की एक सेल्फ के अंदर 5 किताबें आ रही है, तो अब ये 20 किताबें जो है वो कितने सेल्फ के अंदर आएंगी, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे 20 को डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है अब 5 के लिए अब डिवाइड कैसे करते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी सिखाया है। 5 के टेबल हम कहां तक पढ़ेंगे? पहले हम फर्स्ट डिजिट को देखेंगे। फर्स्ट डिजिट क्या है हमारे पास? 2 है, तो पहले हम 2 को देखेंगे। पर यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 2 जो है वो 5 से छोटा है। जब ये रकम जो है जो यहाँ पे अगर फर्स्ट डिजिट इससे छोटा होगा तो हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो हम फिर दूसरे डिजिट को भी उसके साथ मिला लेते हैं। जब हमने इन दोनों को एक साथ मिलाया तो हमारे पास बन गए 20। ठीक है तो अभी 20 बन गया हमारे पास। अब हम 5 का टेबल तब तक पढ़ेंगे जब तक कि हमारा आंसर 20 नहीं आ जाता। हमने टेबल सिर्फ वहीं तक पढ़ना जब तक हमारा आंसर 20 नहीं आ जाता। तो 5 आंसर 5, ठीक है 5 टू जो कितने होते हैं 10, 3 जो कितने होते हैं 15, 4 जो कितने होते हैं 20, आगे हमारा आंसर 5 4 20। तो यहाँ पे हमने 5 को कितने बार मल्टीप्लाई किया? 4 टाइम। ठीक है 5 4 20, ठीक है तो यहाँ पे हो गया 5 4 20। अब इसके नीचे लिख देंगे हम 20, और ध्यान रखना है कि वंस के नीचे वंस लिखना है, टेंस के नीचे टेंस लिखना। फिर हम क्या करते हैं माइनस, 0 में से 0 माइनस किया 0, 2 में से 2 माइनस किया 0, हमारा आंसर आ गया 4। मतलब कि उसको जो है इस तरह की 4 सेल्फों की जरूरत पड़ेगी अपनी बुक्स को रखने के लिए। आप यहाँ पे हर एक सेल्फ के अंदर 5-5 किताबें रख दो, ठीक है इस तरह से। यहाँ पे भी 1 2 3 4, सॉरी मैंने एक ज्यादा ड्रॉ कर दी, ठीक है इस तरह से। ठीक है अगर आप इनको काउंट करोगे, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, टोटल कितनी होगी ये 20 होगी। और आपसे यही पूछा गया कि उसको कितनी सेल्स की जरूरत थी। अगर आप अपनी बुक में देखोगे तो उसमें आपको जो था वो बहुत लंबा प्रोसीजर बताया गया है। ठीक है उसमें क्या किया गया है कि पहले एक सेल्स दिखाई गई है, ठीक है इस तरह से। पहली स्टेटमेंट में बोला गया कि 20 किताबें हैं, एक सेल्फ में 5 रख दी आपने, कितनी बची अब आपके पास? इस सेल्फ में आपने 5 किताबें रख दी, अब आपके पास कितनी किताबें बच गई है रखने के लिए? तो 20 में से 5 माइनस करेंगे, ठीक है यहाँ पे 0 है, 0 में से 5 माइनस नहीं कर सकते, तो ये बहुत ही आसान है, आपको तो आते ही होगा, कैरी लेंगे, बन गए 10। 10 में से 5 माइनस करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 माइनस कर दो इसमें से, कितने बचे 1 2 3 4 5 बचे। और यहाँ पे अब कितने बचे हैं 1, एक कैरी हमने यहाँ दे दी और यहाँ पे सिर्फ एक बचा, तो यहाँ पे इसके लिए तो 15। अभी अभी आपके पास 15 बुक्स बची हैं। अब आप मान लो कि आपने यहाँ पे एक सेल्फ के अंदर आपको बता दिया कि 5 बुक्स आएंगी, है ना, तो इस सेल्फ के अंदर भी 5 बुक्स आएंगी, है ना, तो अब यहाँ पे भी आपने 5 बुक्स और यहाँ पे आपने 5 बुक्स और रख दी, तो अब आपके पास कितनी बची? जब आपने इस सेल्फ के अंदर 5 किताबें रख दी तो आपके पास अब बची थी 15 किताबें, है ना, तो अब इस सेल्फ के अंदर भी 5 ही किताबें आएंगी, तो अब आपने यहाँ पे भी 5 किताबें रख दी, तो अब आपके पास कितनी बुक्स बची? 15 में से 5 माइनस कर लो आप, 5 में से 5 माइनस किए 0 और 1 10, अब आपके पास 10 बुक्स बच गई हैं, ठीक है। दूसरी सेल्फ में भी आपने 5 किताबें रख दी, ये पहली सेल्फ है, ये दूसरी सेल्फ है, दूसरी सेल्फ में भी आपने 5 किताबें रख दी, अब आपके पास बच गई है 10 बुक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब आप तीसरी में भी 5 बुक्स रखोगे क्योंकि आप सिर्फ 5 ही रख सकते हो, तो तीसरी में भी हमने 5 रखी, 10 माइनस 5, ठीक है 5 रख दी, अब हमने 10 में से 5 यहाँ रख दिया, कितनी बुक्स हमारे पास बची? 10 में से 5 माइनस करोगे कितना आएगा आपके पास आंसर? 5, 5 किताबें बच गई आपके पास। अब इस सेल्फ में भी हमने 5 किताबें रख दी, तीसरी सेल्फ में भी हमने 5 किताबें रख दी, अब लास्ट सेल्फ के अंदर, अब इसके अंदर भी 5 किताबें रख दो, 5 ही बची हुई थी, 5 किताबें आपने रख दी, आपके पास 0, कोई किताब नहीं बची, मतलब कि आपने कितनी सेल्फें बनाई? ये पहली सेल्फ, ये दूसरी सेल्फ, ये तीसरी सेल्फ और ये चौथी सेल्फ, मतलब कि कितनी टोटल 4 सेल्फ लगी आपको अपनी 20 किताबों को रखने के लिए। तो ये क्वेश्चन इसलिए करवाए जाते हैं कि अगर आप कभी खुद, मान लो कि आपके पास 20 किताबें, आपको आपके घर में मान लो आपके पास 20 किताबें, तो आप किस तरह से उनको अरेंज करोगे ये आप यहाँ से जान सकते हो। इसको हम जनरल मैथ, इसलिए इसको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, अब हम आगे चलते हैं।
अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की है, यही चीज आपकी बुक के ऊपर लिखी है. 5 बुक्स इन द फर्स्ट सेल्फ, 15 बुक्स लेफ्ट. 5 मोर बुक्स इन द सेकंड सेल्फ, कितनी बुक्स बची आपके पास? 10 बुक्स लेफ्ट. 5 मोर बुक्स इन द थर्ड सेल्फ, कितनी बुक्स बची आपके पास? 5 बुक्स बची. एंड 5 मोर बुक्स इन द फोर्थ सेल्फ, अब आपके पास 0 बुक्स बची. मतलब कि आपने सारी की सारी बुक्स को जो है वो अरेंज कर दिया. ठीक है, तो 20 बुक्स हैव फिल्ड अप इन द फोर्थ सेल्फ ऑफ अलमीरा, 4 सेल्फ अलमीरा के अंदर वो फिल हो गई. सो 20 बुक्स पुट इन टू द इक्वल ग्रुप्स ऑफ 5, ईच टेक 4 सेल्फ. ठीक है, कि हर एक को एक सेल्फ के में 4-5 बुक्स लाने के लिए हमें 4 सेल्फों की जरूरत है. अब हम आगे चलते हैं. ठीक है, नाउ लेट अस ट्राई दिस. अब हम इसको ट्राई करके देखते हैं. हियर आर 28 बटन्स. अब ये जो है वो टोटल 28 बटन दिए गए हैं आपको. अ ट्रेलर पुट 4 बटन ऑन 1 शर्ट, की एक टेलर है, मतलब टेलर हम उसे बोलते हैं जो कपड़े सिलता है. ठीक है, जो टेलर है वो एक शर्ट के ऊपर जो वो कितने 4 बटन लगा रहा है. ठीक है, 28 टोटल बटन है एक शर्ट के ऊपर जब वो 4 बटन लगा रहा है. सो नाउ देयर आर 7 शर्ट विद बटन्स. अब यहाँ पे कितनी शर्ट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 शर्ट्स हैं विद बटन, उन सबके ऊपर जब वो 4-4 बटन्स लगे हुए हैं. ठीक है, 28 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 7. देखो यहाँ पे आपको 28 बटन दिए हुए थे, मतलब आपको ज्यादा चीजें दी हुई थी और एक की कीमत भी आपको यहाँ पे बता के ही रखी हुई है कि एक के ऊपर उसने 4 लगाए. तो अब इसको कितनी ऐसी शर्ट्स की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, जैसे कि यहां पे आपने देखा कि एक के ऊपर, देखो ये एक शर्ट है, इसके ऊपर 1, 2, 3, 4 बटन लगे हैं. यहाँ 1, 2, 3, 4 इसमें लगे हैं, 4 ही इसमें लगे हैं, 4 ही इसमें लगे हैं, 4 ही इसमें लगे हैं, 4 इसमें लगे हैं और 4 बटन इसमें लगे हैं. इन सब में 4-4 बटन लगे हुए हैं. तो टोटल कितने बटन हो गए? 4+4 करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 मल्टीप्लाई बाय 4, 7, 4 जा 28, मतलब ये हो गए सारे के सारे 28 बटन. मतलब कि 7 शर्टों की जरूरत लगी उसे उन 28 बटनों को लगाने के लिए. मतलब 28 डिवाइडेड बाय 4, और जब आप 28 को 4 से डिवाइड भी करोगे तो आपका आंसर भी 7 ही आएगा. ठीक है, जैसे अभी हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया ना कि उसको कितनी सेल्फों की जरूरत लगेगी, उसी तरह से यहाँ पे भी सेम चीज बोलेगी कि उसको कितनी शर्टों की जरूरत लगेगी. तो उसमें भी जैसे हमने पीछे किया, उसी तरह से यहाँ पे भी हम जैसे पीछे किया था ना हमने 20 डिवाइडेड बाय 5, उसी तरह से यहाँ पे भी हम किससे करेंगे? 28 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि एक के अंदर 4 बटन लग रहे हैं. तो जब आप इसको भी डिवाइड करोगे ना तो आपका आंसर सेम आएगा. मैं आपको डिवाइड करके भी दिखा दूंगी. आगे चलते हैं. पहले इफ देयर आर 28 बटन्स एंड द टेलर पुट 7 बटन्स ऑन ईच शर्ट. अब आपको कंडीशन उन्होंने बदल दी कि अगर आपके पास 28 बटन है, जैसे कि पहले थे 28 ही बटन है, पर टेलर जो है अब एक शर्ट के ऊपर 7 बटन लगा रहा है. ये जो शर्ट है इसके ऊपर अब 4 की बजाय वो 7 बटन लगा रहा है. ठीक है, ऑन ई शर्ट देयर विल बी डैश शर्ट विद बटन. तो अब कितनी शर्टें होंगी जिनके ऊपर बटन लगे होंगे? तो यहां पे हम 28 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे. देखो यहां पे हमने 4 से डिवाइड किया, यहां पे हम 7 से डिवाइड करेंगे. ऐसा क्यों कर रहे हैं? 4, देखो 4 बटनों को हमें बराबर बांटना है. तो जिस चीज को हमें बांटना है, जिस चीज से हमें डिवाइड करना है, ठीक है, कि हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं. 28 बटनों को हम 4-4 में डिवाइड कर रहे हैं, 4-4 भागों में बांट रहे हैं. तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे 4 से डिवाइड किया. अब हम 7 भागों में बांट रहे हैं. ठीक है, मतलब 7 के एक भाग बना रहे हैं. ठीक है, जैसे मान लो कि ये आपके पास एक रोटी है. ठीक है, आपने जो है उसे कितने 4 भाइयों के अंदर बांटना है. ठीक है, तो आप इसके कितने टुकड़े करोगे? 4 टुकड़े करोगे, 1, 2, 3, 4. ठीक है, और जब यही रोटी आपको 7 भाइयों के अंदर बांटनी है तो आप इसके कितने टुकड़े करोगे? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7. तो आपको इसके 7 टुकड़े करने पड़े. ठीक है, उसी तरह से सेम यहां पे होता है कि अगर आपने, तो हम इसको किससे डिवाइड करें? 7 से डिवाइड करेंगे. ठीक है, और जब हमें 4 भागों में बांटने तो हम 4 से डिवाइड करेंगे. इसी तरह से हम इनको करते हैं. तो अब इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास कितने 4 बटन थे. ठीक है, जब 4 बटन थे तो उसको कितनी शर्ट की जरूरत पड़ी? 7 शर्टों की जरूरत पड़ी. ठीक है, टोटल कितने बटन है हमारे पास? टोटल है 28 बटन. ठीक है, 28 बटन है हमारे पास टोटल. ठीक है, 28 बटन है हमारे पास. कितने एक शर्ट के ऊपर वो कितने लगा रहा है?
चार बटन लगा रहा है, ठीक है। तो अब उसको कितने इनको बराबर बांटने के लिए, इन 28 बटनों को लगाने के लिए उसको कितनी और शर्टों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एक के ऊपर 28 लगा रहा है तो उसको कितनी शर्ट की जरूरत पड़ेगी, जब आप 28 को 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है। चार बटनों का इस्तेमाल हो रहा है तो हम इसको चार से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो कैसे बताया मैंने आपको डिवाइड करना, पहले हम फर्स्ट डिजिट को देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट डिजिट हमारे पास 2 है, अब 2 जो है वो 4 से छोटा है, ठीक है। तो अब हम 2 को 2 जो है वो 4 से डिवाइड ही नहीं होगा। मान लो कि आपके पास एक रोटी है और या मान लो कि आपके पास दो चॉकलेट्स हैं और आप आदमी 4 हो तो आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते हो। उसी तरह से अब 4 को आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो अब हम दूसरे नंबर को भी उसके साथ इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया 28। अब हमने 4 का टेबल वहां तक पढ़ना है जब तक कि हमारा आंसर जो है वो 28 नहीं आ जाता। तो कहां तक पढ़ेंगे, 4 वन जा कितने होते हैं 4, 4 टू जा 16, 4 3 जा, तो आपने इस तरह से टेबल को जो है वो सॉरी 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28। आगे आंसर 7, 4 7 जा होते हैं ना 28, तो 4 7 जा 28, तो यहां पे हम लिख देंगे 28। जिसने आपने जो टेबल पढ़ते जाना है, ठीक है, फिर आपको अपने आप आंसर आएगा। 4 का टेबल जब आपने 7 बार 7 तक पढ़ा तो आपका आंसर आ गया 28। तब हम इसके नीचे लिख देंगे 28, वंस के नीचे वंस को लिखना है, टेंस के नीचे टेंस को लिखना है। फिर हम इसको माइनस कर देंगे, 8 में से 8 माइनस किया 0, 2 में से 2 माइनस किया 0, तो हमारा आंसर आ गया 7, ठीक है। तो उसको कितनी शर्ट की जरूरत पड़ रही थी, 7 शर्ट की। ये तो आपको आपकी बुक में भी बता दिया। अब आपसे आगे बोला गया है कि आप बटन तो 28 ही है, ठीक है, बटन 28 है, पर अब वो एक शर्ट के ऊपर जो है, एक शर्ट के ऊपर अब वो कितने बटन लगा रहा है, 7 बटन लगा रहा है। मतलब यहाँ पे 4 की बजाय वो 7 लगा रहा है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। इस तरह से उसने 1 2 3 4 5 6 7 बटन लगा दिए एक शर्ट के ऊपर, ठीक है। तो अब उसको कितनी शर्ट्स की जरूरत पड़ेगी, जब 4 तब भी, अब यहाँ पे हम फिर से डिवाइड करेंगे, पर अब हम यहां से किससे, 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक, क्योंकि हमें 7 के हिसाब से हमें बांटना है, ठीक है। कि जैसे एक आपके पास मान लो 28 टॉफियां हैं, एक आदमी को आप 7 दे रहे हो तो आगे वाले आदमी को भी आपको 7 ही देनी पड़ेगी ना, और उससे आगे वाले को भी 7, उससे आगे वाले को भी 7-7 ही टॉफी देनी पड़ेगी। उसी तरह से जब हम एक शर्ट के ऊपर एक शर्ट के ऊपर 7 बटन लगा रहे हैं तो बाकी शर्ट के ऊपर भी हमें 7-7 ही बटन लगाने पड़ेंगे। तो अब हम इन 28 बटनों को किससे, 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो कैसे डिवाइड करते हैं, पहले हम फर्स्ट डिजिट को देखते हैं। फर्स्ट डिजिट फिर से छोटा आ गया, 7 से 2 छोटा है तो हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए अब हम 8 को भी उसके साथ इंक्लूड कर लेंगे। अब ये क्या बन गया हमारे पास 28। अब हम 7 का टेबल वहां तक पढ़ेंगे जब तक कि हमारा आंसर 28 नहीं आ जाता। तो 7 का टेबल पढ़ेंगे सभी, 7 वन जा 7, 7 टू जा 14, 7 थ्री जा 21, 7 4 जा 28। आ गया आंसर 28, 7 4 जा 28 आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4, है ना, 7 4 जा 28 होते तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4। 7 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे 7 4 जा होते 28। अब हम 28 यहाँ लिख देंगे, 1s के नीचे 1s, 10s के नीचे 10s, माइनस करेंगे, 8 में से 8 माइनस किया क्या बचा 0, 2 में से 2 माइनस किया 0, मतलब आंसर आ गया हमारे पास 4। और मैंने आप सबको बताया कि ये क्या होता है, ये जो होते हैं वो होते हैं डिवाइडर, जो डिवाइड कर रहा है, ये जो होते हैं इसको हम बोलते हैं डिविडेंड। ये मैं आपको अभी रिकॉल करवा रही हूँ, मतलब कि दोबारा रिवाइज करवा रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको ये चीजें जो है वो फर्स्ट वीडियो में समझा दी है। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो जरूर देखें, वहां पर मैंने आपको डिवाइड करना सिखाया है, और ये होता है हमारे पास रिमाइंडर, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन होता है वही हमारा आंसर होता है। तो 4 आंसर आ गया, मतलब उसको कितनी शर्ट्स की जरूरत पड़ेगी, 4 शर्ट्स की जरूरत पड़ेगी उसको, हर एक बटन के अंदर 4 लगाने के। चाहे आप चाहें तो एक शर्ट में आपने 7 बटन लगा दे, दूसरी शर्ट में भी 7 लगाओ आप, ठीक है, तीसरी में भी 7 लगाओ, चौथी में 7 लगाओ, आप देखोगे तो आपको सभी के अंदर जो है वो 4-4 बराबर बटन मिल जाएंगे। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया अब कितना, 4, और यहाँ पे 4 ही शर्ट्स की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट चलते हैं,
मिंकू पुट हर 15 लड्डू इक्वली इनटू 5 बॉक्स. उसके पास 15 लड्डू हैं, उसने 5 बॉक्सों के अंदर बराबर बराबर लड्डू रख दिए. हाउ मेनी लड्डू विल बी देयर इन ईच बॉक्स. सेम चीज आ गई कि उसके पास 15 लड्डू हैं, 5 उसके पास बॉक्स हैं और हर एक के अंदर उसको बराबर बराबर बांटने हैं. तो हर एक बॉक्स के अंदर जब कितने लड्डू आएंगे तो सेम वैसे ही होगा, हम जो है फिर से डिवाइड करेंगे. तो ये तो बहुत आसान है, आप खुद भी कर सकते हो. आपने 15 को 5 से डिवाइड करना है, ठीक है. देखो 15 को 5 से डिवाइड करने, क्योंकि टोटल लड्डू हमारे पास है 15, ठीक है. और कितने 5 लोगों में बांटने हैं, ठीक है. कितने लोगों में बांटने हैं हमें, 5 बॉक्सेस में बांटना है उनको, ठीक है. तो हम जो है वो ऐसे डिवाइड करेंगे. पहले हम फर्स्ट डिजिट देखेंगे. फर्स्ट डिजिट जो है वो छोटा है हमारे पास, है ना. तो जब हमारे पास फर्स्ट डिजिट छोटा तो हम क्या करते हैं, दूसरे डिजिट को भी उसके साथ ले लेते हैं. अभी हमारे पास कितने बन गए, 15. तो अब हम 5 का टेबल कब तक पढ़ेंगे, जब तक कि 15 नहीं आता. 5 वन जा कितने होते हैं, 5, 5 टू जा 10, 5 थ्री जा 15, ठीक है. तो 3 आ गया आंसर हमारे पास, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3, ठीक है. तो 5 थ्री जा हो गए हमारे पास 15 हो गए. 5 मल्टीप्लाई जब आप 3 से करोगे तो 5 3 जो 15 होते हैं ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 15. वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, ठीक है. तो 5 में से 5 माइनस किए 0, 1 में से 1 माइनस किए 0, तो हमारा आंसर आ गया 3, ठीक है. तो ये हो गया हमारे पास, मतलब कि हर एक डब्बे के अंदर कितने, एक डब्बे के अंदर कितने लड्डू होंगे, 3 लड्डू होंगे. अगर 5 बॉक्स है तो हर एक डब्बे के अंदर जो है वो 3 लड्डू होंगे. देयर विल बी 3 लड्डू इन ईच बॉक्स. 5 डिवाइडेड बाय 15 डिवाइडेड बाय 5 इज 3. अभी हमने आंसर निकाला, ठीक है. इफ शी यूज ओनली 3 बॉक्स, बोला गया कि अगर वो सिर्फ 3 बॉक्स को इस्तेमाल करते हैं, हाउ मेनी लड्डू विल बी देयर इन ईच बॉक्स. तो हर एक बॉक्स के अंदर कितने लड्डू होंगे, अब इन्होंने बदल दिया. तो अब यहाँ पे हमने किसको, 15 को डिवाइड करना है 3 से. अभी मैंने आपको समझाया जितनी, जब आप चीजों को बराबर बांट रहे हो तो जितना एक इंसान को दोगे उतना ही आप दूसरे को दोगे. तो उसी तरह से अगर 5 डब्बे हैं तो अगर एक में 3 लड्डू डालोगे, दूसरे में भी 3 डालोगे, तो अब आपके पास सिर्फ 3 बॉक्स हैं. तो आप एक में कितने डालोगे, दूसरे में, तीसरे में कितना, तो उसके लिए अब यहाँ पे हम फिर से डिवाइड करेंगे. सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने अभी किया. ये हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, 15, ठीक है. अब हमारे पास कितने हैं, 15 है. कितने अब हमारे पास बॉक्स कितने, 3 है. तो हर एक बॉक्स के बराबर बराबर रखना है, तो 3 से डिवाइड करेंगे. पहले हमारे पास 5 बॉक्स है तो हमने 5 से डिवाइड किया. हमारे पास 3 बॉक्स है तो अब हम 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है. तो ये हमारे पास कितने हो जाएंगे, अब हमारे पास ये कितने लड्डू हो जाएंगे वो हम देखेंगे कितने होंगे. तो 5 पहले हम फर्स्ट डिजिट को देखते हैं. फर्स्ट डिजिट अगेन हमारे पास छोटा है 3 से, तो अब ये हम जो है वो दूसरे वाले डिजिट को भी उसके साथ ले लेंगे, है ना. तो ये हमारे पास बन गए 15. अब हम 3 का टेबल तब तक पढ़ेंगे जब तक कि हमारे पास आंसर 15 नहीं आ जाता, ठीक है. कि हमेशा हम डिवाइड कैसे करते हैं, पहले हम फर्स्ट डिजिट को देखते हैं. अगर फर्स्ट डिजिट जो है वो डिवाइडर से छोटा होगा तो हम दूसरे डिजिट को भी उसके साथ लेते हैं. अब हमारे कैसे 15, अब 3 का टेबल हम 15 तक पढ़ेंगे. तो 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा कितने होते हैं, 3 5 जा होते हैं हमारे पास 15, ठीक है. तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5. 3 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 15. तो हम यहाँ पे 15 के नीचे 15 लिख देंगे. 1s के नीचे 1s, 10s के नीचे 10s. 15 से 15 माइनस किए 0 और 0, तो हमारा आंसर आ गया 5. सो यही हमसे पूछा गया था, तो हमारा आंसर आ गया 5. अब हर एक बॉक्स के अंदर जो है वो 5 लड्डू होंगे. पहले हर एक बॉक्स के अंदर 3 लड्डू थे, अब हर एक बॉक्स के अंदर 5 लड्डू होंगे, क्योंकि अब हमारे पास बॉक्स जो है वो सिर्फ 3 ही बचे हुए हैं, ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. शेयर 25 बनानाज अमंग 5 मंकीज. अब आपके पास यहाँ पे 5 बंदर दिए गए हैं, 25 बनानाज हैं आपको शेयर करने. हाउ मेनी बनानाज फॉर ईच मंकी. अब हर एक मंकी को कितने मिलेंगे, तो देखो 5 मंकी हैं, तो जब 5 मंकी हैं आपके पास तो 5ों को बराबर बांटना पड़ेगा. और टोटल कितने आपके पास, 25 हैं. तो 25 को ही आप 5 से डिवाइड करोगे ना. तो ये तो मैं आपको होमवर्क भी दे सकती हूँ, पर आपकी कन्वीनियंट के लिए मैं इसको भी यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ. 25 बनानास हैं, ठीक है. कितने हमारे पास बनानास, 25 तो हमारे पास बनानास हैं और जो 5 हमारे पास जो है वो मंकी हैं, ठीक है. तो अब हमें ये करना है पता कि कितने आएंगे केक को. यहाँ पे मैंने लिख दिया है 25 बनानास हैं पर 5 हमारे पास मंकी हैं. हमें जो है वो बताना है कि हर एक को कितना जाएगा, ठीक है. तो हम किससे, 5 से डिवाइड करेंगे. किसको डिवाइड करेंगे हम यहाँ पे, 5 से, 5 से हम डिवाइड करेंगे 25 को, ठीक है. 5 डिवाइडेड बाय 25. तो अब हम वैसे करेंगे, 5 का टेबल पढ़ेंगे, यहाँ पे पहले 2 तक पढ़ेंगे. तो अब 2 जो है वो छोटा है 5 से, तो अब हम क्या करेंगे, दूसरे वाले डिजिट को भी उसके साथ ले लेंगे.
अब मतलब कि अकेला कुछ नहीं कर पा रहा, तो अब उसको बड़ा सा नंबर चाहिए, तो अब 25 हो गया हमारे पास। अब 5 का टेबल हम तब तक पढ़ेंगे जब तक कि हमारा आंसर 25 नहीं आ जाता। तो 5 का टेबल पढ़ेंगे सभी, 5 वन जो 5, 5 टू जो 10, 5 थ्री जो 15, 5 फोर जो 20 एंड 5 फाइव जो 25। आगे हमारा आंसर 5 फाइव जो कितने होते हैं, 5 फाइव जो कितने होते हैं 25। तो हम लिख देंगे 25 के नीचे 25, है ना, वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, माइनस करो कितना आंसर आ रहा है, 0। तो ये आगे हमारे पास आंसर 5 की, हर एक मंकी को जो है वो 5-5 बनानास मिलेंगे। सो यहाँ पे हम फिल कर देंगे 5 डिवाइडेड बाय 5 कितना आया हमारा आंसर, जो क्वेश्चन होता है वही आंसर होता है, वो मैंने आपको अभी बताया। तो ये आ गया 5, ईच मंकी हैज कितने बनाना, 5 बनानास होंगे हर एक मंकी के लिए, ठीक है। तो बाकी के क्वेश्चन हम कल वाली वीडियो में करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको अगली सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप पुरानी वीडियोस देखने के लिए इसी चैनल के प्लेलिस्ट में क्लास 3 मैथ्स में देख सकते हो। थैंक यू।